पत्र मोटी आदरणीय सज्जन पाठ साहब एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि जैन साहब ने आप थोड़ा पीछे हटियो आपने तरफ रखा ही नाम मैं लोकसभा क्षेत्र धौलपुर करौली के उम्मीदवार पूर्व मंत्री भदनलाल यादव साहब रमेश मीणा जी पूर्व मंत्री लाखन मीणा साहब हमारे करौली से घनश्याम मैर जी जो आज नया कुर्ता पहन कर आए हैं और अभी से संजय जाटव जी जिन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया और फिर पार्टी में भदनलाल जी को मौका दिया अनिता जाटव जी और चीकू जी बहुत बहुत सत श्रीकाल आपको रजीत जी हमारे विधायक धौलपुर जिले से मोहित बोरा साहब अमर सिंह जाटव जी पूर्व विधायक हमारे हरिद्वार से जो विधायक आज हमारे बीच में हैं रवि भादु साहब जिलाध्यक्ष जी हमारे माखन जी लक्ष्मीलाल जी कमल घनसाना जी ब्लॉक अध्यक्ष जी पूर्व प्रधानगण सभी मंच पर जो हमारे नेता उपस्थित हैं सबसे पहले आप सभी लोगों को रामनवमी का त्यौहार है आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ शुभकामना देना चाहता हूँ परिवार सहित भगवान राम की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और 19 तारीख को आपको अपना सांसद चुनना है। सांसद के माध्यम से देश में सरकार बनेगी। हम लोग भारत में विधायक और सांसद चुनते हैं, पार्टी को चुनते हैं और उसके बाद सरकार का निर्माण होता है। 19 तारीख को आप लोगों को अपना वोट डालना है। ये वोट महत्वपूर्ण है, बड़ा चुनाव है। ये प्रधानी प्रमुख और सीआरडीआर का चुनाव नहीं, ये देश का चुनाव है। और मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपको जो मुद्दे बताए वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस चुनाव में हमको देखना पड़ेगा कि देश में जो सरकार है 10 साल से बीजेपी की सरकार, उस सरकार ने 2014 में जब चुनाव हुए तो क्या बातें बोली थी, क्या वादे किए थे। और इन 10 सालों में जनता मतदाता का अधिकार है, जिम्मेदारी है कि आप रिपोर्ट कार्ड मांगो कि 10 साल में आपने क्या कहा और क्या किया। महंगाई कम करने की बात करी, किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करी, काला धन समाप्त करने की बात करी, भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात करी, ये सब 10 साल पहले की बात है। और अभी बीजेपी क्या बोल रही है, अमृत काल चल रहा है, 2047 तक हम देश को विकसित कर देंगे। वो 24, 26, 30, 35 2047 सीधे, ताकि वो पूछे नहीं तो तुमने 10 साल में क्या किया। दो बार सरकार बनाई, पूरे बहुमत की सरकार बनी देश में और बहुत लंबे समय के बाद बिना गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और सरकार की जनता ने बनाई, उस जनादेश को हमने स्वीकार किया। राजस्थान में 2 बार चुनाव हुए, दोनों बार हम एक भी सीट नहीं जीत पाए, हमने जनता के आदेश को स्वीकार किया। लेकिन जो सरकार बनी है उसने 10 सालों में प्रदेश के लिए क्या किया, तो सांसद चुनकर गए 25 के 25 राजस्थान से, उन्होंने प्रदेश के लिए क्या किया। अभी विधानसभा के चुनाव हुए, हम सरकार नहीं बना पाए, उस बात का दुख हमें। हर बार राजस्थान में सरकार बनती है और फिर हम हार जाते हैं। 30 साल हो गए चुनाव जीतो सरकार बने, फिर हम 5 साल बाद हार जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकारें बाकी राज्यों में दोबारा बनती नहीं। दिल्ली में शीला जी मुख्यमंत्री थी तो लगातार 3 बार कांग्रेस सरकार बनी। आसाम के मुख्यमंत्री गोगोई साहब थे, लगातार 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे। राष्ट्रीय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, लगातार 2 बार जीते। हुड्डा साहब हरियाणा में 2 बार जीते। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सरकार दोबारा नहीं बन पाती, लेकिन बदकिस्मती से राजस्थान में हम लोग सरकार दोबारा रिपीट नहीं कर पाते। बहुत कोशिश हम लोगों ने करी और मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। इस बार चुनाव में जो हार जीत का अंतर था वोट प्रतिशत का, वो 1 या 2% ज्यादा नहीं था। हम पहले हारते थे तो कभी 20, 21, कभी 50, 55, इस बार हम 70-71 विधायक जीत कर गए, लेकिन सरकार नहीं बना पाए। तो ये एक और मौका हमको मिला है अपनी भूल सुधारने का और पूरे देश में पूरी दुनिया देखना चाहती है
कि वो दल, वो पार्टी, वो सरकार जो संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से उनकी जड़ों, आप सब देख रहे हो देश में जो बड़े बड़े निर्णय हो रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट का रहा। आज राम मंदिर का निर्माण हुआ देश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ। कोई नेता, कोई दल, कोई पार्टी, कोई सरकार कहने की बातें, लेकिन इस देश का सबसे बड़ा जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, उसने ये निर्णय लिया कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और सब पक्षों की बात सुनने के बाद सब पक्षों ने अपनी दलील रखी, अंत में जो निर्णय कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का था, हम सबने स्वीकार किया। शांतिपूर्वक तरीके से भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, वहां का जो निर्णय आता है वो सारे देश को स्वीकार होता है। क्यों होता है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्वीकार क्यों होता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आस्था है कि कोर्ट का जो आदेश है वो निष्पक्ष होगा, वो सारी दलील सुनने के बाद जो सही होगा वो उस काम को करेगा। सुप्रीम कोर्ट का जब भी इंसान है, वो आसमान से नहीं आया, लेकिन उसके निर्णय को हम मानते क्यों है? क्योंकि उस संस्था की विश्वसनीयता है। सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट का आदेश देता है, हम लोग उसको मानते हैं क्योंकि हमें विश्वास है। दुर्भाग्य से 70 साल से जो संस्थाओं को हमने पोषित करके मजबूत बनाया, उन संस्थाओं को खत्म करने का काम सरकार कर रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों पे, सुप्रीम कोर्ट पर जनता का विश्वास खत्म हो गया तो झगड़ों को रोकेगा कौन? आप आदेश को मानने से मना कर दो तो क्या हालत देश में होंगे? संस्थाओं को कमजोर करने का परिणाम यह होता है कि जनता बातों को मानती नहीं। अगर संस्था पारदर्शी नहीं है, संस्था विश्वसनीय नहीं है, चयन प्रक्रिया में संदिग्ध है तो कौन मानेगा? निर्वाचन आयोग है, कोर्ट कचहरी है, ये संस्थाएं हम लोगों ने बनाई। अलग अलग सरकारें रही, गैर कांग्रेस सरकार भी रही, लेकिन किसी सरकार ने 10 सालों तक संस्थाओं को कमजोर करने का काम नहीं किया। नारा देती है बीजेपी 300 पार, 400 पार, 500 पार, 600 पार, उनका कोई रोकने वाला नहीं। अब तुम 400 पहली पार कर लिए तो चुनाव भी क्यों करा रहे हो? और तुम 400 जीत रहे हो तो हमारे नेता ने क्यों ले जा रहे हो कांग्रेस के तोड़ तोड़ के? तुम्हारे कितने नेता हैं तो तुम औरों की पार्टी का तोड़ के नेता क्यों ले जा रहे हो? जैसा तुम मतलब खींच रहे, अंदर वो समझ गए किसान परेशान, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, महिला, नौजवान 10 साल से उब गए। वही भाषण, वही इश्तिहार, वही टेलीविजन, वही होर्डिंग, वही पोस्टर। लोग बदलाव चाहते हैं। पूरे प्रदेश में आज एक बदलाव का माहौल है। पूरे प्रदेश में घूमा हूं, जोधपुर, बाड़मेर, अलवर, दौसा, मानपुर, जयपुर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, हर जगह सब लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव होगा, 4 जून को परिणाम आएंगे, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की सरकार देश में बनेगी, ऐसा मैं मानता हूं। दुनिया चाहती है, देश चाहता है, मतदाता चाहते हैं। अब कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है, इस सरकार का रवैया देखो आप। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से जो बॉन्ड होते हैं वो चंदा इकट्ठा करने का तरीका है, चंदा दो ठेका लो। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश किया कि दुनिया को बताओ किससे कितना पैसा लिया है, हजारों करोड़ चंदा बीजेपी अपने खाते में जमा करा रखा है। कोर्ट ने बोल दिया ये चंदा गैर कानूनी है, लेकिन बीजेपी के खातों को बंद नहीं किया। 1994 में कांग्रेस पार्टी को नोटिस दिया था, 94 में उस नोटिस का हवाला देके कांग्रेस के खाते बंद कर दिए। चुनाव के ठीक बीच चुनाव में आप प्रमुख विपक्षी दल के खातों को बंद कर दो, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दो, सरकार की पूरी ताकत नेताओं की आवाज दबाने में लग जाए, और निर्वाचन आयोग आंख मूंद के बैठा है, बीजेपी के खातों पर हाथ नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि चुनाव चल रहा है, कांग्रेस के खाते खोलो। अब तो खातों को बंद कर दोगे तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? ये चाहते ही नहीं। 400 पार तो साथियों राजीव गांधी जी के पास आए थे सांसद, 400 पार उन्होंने कभी नहीं कहा कि भाजपा खत्म कर दूंगा, भाजपा मुक्त देश बना देंगे। 147 सांसदों को एक दिन में आप निलंबित कर दो और फिर पीछे से कानून पास करा दो, ये लोकतंत्र के लिए कोई स्वस्थ परंपरा नहीं।
इन बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप भौरपुर के लोग हो, पुराना रिश्ता आपसे हमारा रहा, यहाँ बहुत आपने घुमाया, बहुत घुमा मैं। पायलेशन का ये रोहित भोरे जी बैठे हैं यहाँ पर, रमेश जी बैठे हैं। उपचुनाव था, बीजेपी की सरकार थी, उसको भजनलाल जी आप बधाई क्यों नहीं देते, आप बधाई क्यों देते? आप भजनलाल जी की कहानी बहुत विचित्र कहानी है। भजनलाल जी कहते थे ठेकेदारी, उपचुनाव हुआ और बैर विधानसभा क्षेत्र से स्वर्गीय पाड़िया साहब उनके परिवार का वहां पर बहुत वर्चस्व था। हम भजनलाल जी को पार्टी में लेकर आए, उनको उपचुनाव का चुनाव लड़वाया और जितने यहाँ नेता बैठे इन सब ने अपनी जेबों से पैसे खर्च कर एडी चोटी का जोर लगाकर वो उपचुनाव, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, पूरी सरकार लग गई, लेकिन बैर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी जीती, भजनलाल जी विधायक बने और उस समय दलित समाज के लेकर आप पहले विधायक चुन कर रहे थे कांग्रेस में। हमें बीसी के विधायक थे, एससी का कोई विधायक नहीं था, ये पहले दलित समाज के विधायक चुने थे बैर विधानसभा के उपचुनाव में। फिर सरकार बन गई, फिर भजनलाल जी चुनाव जीत गए, हमने सहयोग किया, मंत्री बने, लेकिन विभाग कच्चा पक्का था। कौन सा होमगार्ड। हमने कोशिश करी कि मंत्रालय होमगार्ड का मिला, लेकिन फिर अशोक गहलोत जी ने दोबारा मदद करी, फिर सीधा वो भाग के जो मेरे पास था पीडब्ल्यूडी को, और काम किया पूरे प्रदेश में। और आज पार्टी ने इन पर भरोसा कर इनको टिकट दिया, लेकिन बहुत से लोग मांगते हैं लोकसभा, लेकिन सबसे बात करने के बाद, सबसे चर्चा करी पूरे जिले में करौली, सबसे बात करने के बाद जो सबसे उपयुक्त, जो सबको साथ लेकर जो बढ़िया चुनाव लड़ सके, अच्छा पूरे कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करके चुनाव लड़ सके, उस व्यक्ति को पार्टी चुनती है। और भजनलाल जी को यहाँ से हमने अपना उम्मीदवार बनाया है। आज प्रचार का आखिरी दिन है, मैं तो आपसे इनके लिए वोट मांगने आया हूँ और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये मत सोचो कि इसको टिकट मिला, ये समाज का है, कौन जाटर, कौन फटीक, कौन लेगर, कौन कोली, कौन ये सब, ये पार्टी चुनाव लड़ रही है, अभी जीत भी पार्टी की होगी। जितने तमाम नेता बैठेंगे सब भजनलाल जी की जमानत देने आपको आए हैं, तो हम सब मिलकर काम करेंगे। और धौलपुर विधानसभा क्षेत्र, धौलपुर जिला, यहाँ पर पिछली बार हम लोग जीत नहीं पाए थे लोकसभा चुनाव के अंदर, तो इस बार में आपसे निवेदन है सारी बातें हम भूलें, भविष्य की तरफ देखें। और यहाँ पर ये चुनाव अगर पार्टी जीत कर जाती है तो हमारे हाथों को ताकत मिलेगी। राहुल गांधी जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद, पैदल चले 4,000 किलोमीटर, हम न्याय की बात करते हैं और गारंटी जो है मुझे अच्छी तरह याद है, हिमाचल के चुनाव में पहली बार कांग्रेस पार्टी का हम ये गारंटी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री को सब पसंद आ गया और जब उनको कुछ पसंद आ जाता है कि वो पूरा उसको ले लेते हैं। सरदार पटेल जी को ले लिया, सफाई अभियान को ले लिया, जीएसटी को ले लिया, बीजेपी ने जीएसटी का विरोध किया, एफडीए का विरोध किया, अमेरिका के साथ प्रमाणों पर करार हुआ उसका विरोध किया, लेकिन जब सरकार में आते तो सब अपना लेते। तो गारंटी जो शब्द है ये कांग्रेस ने पहली बार हिमाचल में इस्तेमाल किया था। अब भर के देखता हूं तो प्रधानमंत्री वो गारंटी तो क्या गारंटी की गारंटी है? मेरी गारंटी की गारंटी है, लेकिन असली गारंटी जो है गांधी, वो आप सब लोगों के हाथ में है, जिसका बटन दबाओगे उसी को सेवा करने का मौका मिलेगा। इसलिए 19 तारीख को हम सबको मिलकर हमारी पार्टी जो मैनिफेस्टो बनाया है, किसान, गरीब, दलित, जैसा मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बोला, सरकार बनाने को कितने सांसद चाहिए? 272 चाहिए सरकार बनाने के लिए, इनको 400 क्यों चाहिए? मुझे भाई 10-5 ऊपर नीचे कर लो, 72, 82, 92, 300 गोल मोल कर लो, 400 कहीं ना कहीं की नियत यह है कि संविधान में जो प्रावधान दिए हैं, जिस कारण से आज भजनलाल जी एमएलए बन रहे हैं, एमपी बन रहे हैं, मंत्री बने हैं, वो जो संविधान में प्रावधान है, गरीबों का, दलितों का आरक्षण है, उनको मदद देने का जो प्रावधान है, उसके साथ छेड़छाड़ करना चाहते हैं। और फिर आपने कभी देखा है भाजपा के बड़े बड़े नेता आगे बोलते हैं, नहीं नहीं हम संविधान नहीं बदलेंगे, नहीं, अरे तुम बोल ही क्यों रहे हो? अगर ये चर्चा नहीं है तो सफाई भी देनी पड़ रही है, जैसे लोग छापे लगाते कांग्रेस नेताओं के ऊपर,
ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, पुलिस का, फिर कहते हैं अरे भाई डर क्यों रहे हो, छापा पड़ने दो, कुछ नहीं मिलेगा तो छूट जाना, जब कचहरी चलेगा फोर्स से छूट किया जाना। तो हम कह रहे हैं कि अगर आपको इसमें बदलाव नहीं करना तो आप सफाई क्यों दे रहे हो बार बार, गला फाड़ फाड़ के बोलना पड़ रहा है। कंबेट गति का संविधान है उसको हम नहीं छुएंगे। आपने कभी सुना मनमोहन सिंह जी ने ऐसा बोलना पड़ा उनको, या सोनिया गांधी ने कभी बोला हो? क्योंकि लोग जानते हैं कांग्रेस पार्टी का ऐसा सोच भी नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी के नेता उनकी सोच घमंड और अहम की हो गई है। इसलिए तवे पे रोटी के पलटने का समय आ गया है। मैं पूरे प्रदेश और देश में अलग अलग राज्यों में गया हूँ, कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस का बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। छत्तीसगढ़ चारों धर्म के नेता मिलकर आप सब कांग्रेस पार्टी को जिताएं। आज त्योहार का दिन था, सुबह सुबह का टाइम मिले रोहितपुरा जी को, चीकू साहब को, रमेश मीणा जी को, घनश्याम जी को, मैंने कहा मैंने कहा मेरे को आज जाना उत्तराखंड हमारे विधायक, और ये इनका मतलब था हरिद्वार घूमने के लिए, मन से चलना शुरू कर दिया, हम सब एक हरिद्वार पहुंच जाएंगे। अरे भाई वो तो घूमने के लिए बुला रहे हैं आपको, ऐसा तो ना कह रहे। तो त्योहार के दिन आप सब यहाँ पर आए, हमारी बात को सुना, और मुझे लगता है कि पूरे देश में भी कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। और आप लोगों ने इत्मीनान से हमारी बात को सुना, मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी को, आप कांग्रेस पार्टी को वोट डालेंगे, हमारी पार्टी जीत कर जाएगी, आपके सांसद बनेंगे। घनश्याम को, घनश्याम है जो भी चिंता कर रहे थे, कहते भाई ये भजनलाल जी से जीतने के बाद मिलने का टाइम पे रोज बोला देना पड़ेगा, भजनलाल जी से मिलना है तो रोज बोला जी टाइम देंगे, ऐसा नहीं है। भजनलाल जी जीतेंगे तब भी आपके बीच में रहेंगे, काम करेंगे, पहले भी आपके बीच में काम किया है। इसलिए उम्मीदवार, विचारधारा, पार्टी, परफॉर्मेंस सब देखने के बाद हमारा पगड़ा भारी है, इसलिए आप वोट देकर जिताओ। आपसे निवेदन करने आया था, और आप सब लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं। आप फलो फूलो आगे बढ़ो, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।